Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is the second part of first chapter in political science and in political science. Okay, तो पहले हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम दूसरे टॉपिक के तरफ जाने वाले हैं, विच इज विच इज सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर. और बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं. मैं आशा करती हूँ कि आपने इसके पहले वाला लेक्चर देख लिया है. तो ये टॉपिक का नाम है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. अगर जस्टिस है, इक्वालिटी नहीं है, तो इस जस्टिस का कोई फायदा नहीं है. अगर इक्वालिटी है लेकिन जस्टिस नहीं है, तो ऐसी इक्वालिटी का कोई फायदा नहीं होता. ये आपके दिमाग में हमेशा रखना, क्योंकि समझो कि इक्वालिटी तो है पर अगर जस्टिस नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ इक्वालिटी नहीं हुई और अगर जस्टिस नहीं है तो मैं किसको कंप्लेन करूँ? जस्टिस तो है पर इक्वालिटी नहीं है, तो ऐसी इक्वालिटी का भी मैं क्या करूँ? ठीक है, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द गाइडलाइंस टू एस्टैब्लिश न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन दिस टू वैल्यूज. वी आर फॉलोइंग द पाथ लेड डाउन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दिस गोल. तो ये गोल के बारे में कहाँ मेंशन किया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन. To establish the social justice is to remove all the social conditions which are responsible for injustice. अगर सोसाइटी में इनजस्टिस है तो जस्टिस होगी क्या? नहीं होगी. अगर सोसाइटी में जस्टिस है तो इसका मतलब क्या है कि इनजस्टिस नहीं है. एज सिंपल एज दैट. तो अगर हमको जस्टिस लाना है सोसाइटी में तो हमको क्या खत्म करना पड़ेगा? इनजस्टिस खत्म करना पड़ेगा. एंड इंसिस्ट ऑन इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी. इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी का मतलब ये होता है कि चाहे मैं रहूँ, आप रहो, कोई भी रहे, आपका पापा रहे, मेरे घर जो हाउस हेल्प आती है वो रहे, जो कचरा पिकअप करने के लिए आते हैं वो रहे, झाड़ू मारने वाले हो, ये सारे लोगों को डिग्निफाइड लाइफ होना जरूरी है. तब जाके आप कहोगे कि आपकी सोसाइटी में जस्टिस है, वरना इक्वालिटी और जस्टिस नहीं है. द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्वालिटी एम एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन इन सोशल स्टेटस एंड एज सुपीरियर एंड इंफीरियर. सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी का, कि इस सोसाइटी में जो भी इनजस्टिस का कारण है, ठीक है, जो भी इनजस्टिस का कारण है वो खत्म हो जाए. तो अब इनजस्टिस का कारण आप क्या क्या याद सोच सकते हो? कि मैं अमीर हूँ तो गरीब है, मैं अच्छे घर से आता हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ तो चीप या फिर फ्रूगल कपड़े पहनता है ना, मैं अच्छे खाने खाता हूँ, मैं 5 स्टार में ही खाने खाता हूँ, आप तो क्या है, 1 स्टार 2 स्टार वाले लोग हो, हम आपके साथ उठेंगे बैठेंगे. ये जो चीज़ है ना, ये नहीं होनी चाहिए. आप रखिए, आप आपका स्टैंडर्ड ऊंचा रखिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग ऐसे हैं वो खराब है या आपका उनके साथ बर्ताव खराब हो. इससे समझ में आता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है. तो जब ये चीज़ें खत्म होंगी ना, तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें जस्टिस भी होगा और उसमें इक्वालिटी भी होगा. ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब इनजस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब जो है वो नहीं होना चाहिए. ये सारी चीज़ें जब नहीं होंगी ना, तो ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा हमें? अपॉर्चुनिटी मिलेगी डेवलपमेंट की. टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड इनइक्वालिटी एफर्ट्स आर टू बी मेड एट ऑल लेवल्स. एफर्ट्स आर टू बी मेड एट ऑल लेवल्स ऑफ द सोसाइटी. ऐसा नहीं कि मैं अमीर हूँ, मैं रिच हूँ तो मैं ये सारी चीज़ों को इग्नोर करूँगा, और मैं पुअर हूँ तो ही मुझे सोचना पड़ेगा सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के लिए. नो, हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी एफर्ट लेने पड़ेंगे इस मामले में. ठीक है, तो डेमोक्रेसी ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम इंश्योर करें कि एवरी इंडिविजुअल हैज सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. To bring all sections of society into mainstream democracy, in fact, is a process of accommodating different sections of society. Democracy helps in reducing social conflicts. Let us take the review of the efforts. अब हम वो चीजें देखेंगे कि हमारे efforts कैसे रहे हैं इस direction में, किस direction में, ये जानने, ये कोशिश करने के लिए कि हमारे Indian society में social justice और equality establish हो. ठीक है, तो पहला हमारा एफर्ट क्या है? पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. अब देखो कैसा हो रहा है ना, कि माइनॉरिटी को डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए अब नई चीज हो रही है. पता नहीं बहुतों को ये बात खटकेगी, बहुत लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी और बहुत लोग इससे रिलेट शायद कर भी पाएंगे. क्योंकि मैं कर पाती हूँ तो शायद और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस चीज से रिलेट कर पा रहे हो. कि पहले होता था डिस्क्रिमिनेशन,
मेजोरिटी जो है वो माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। अब हो रहा है रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे माइनॉरिटी तो ठीक है उनका तो डिस्क्रिमिनेशन हो ही रहा है और एट द सेम टाइम मेजोरिटी का भी हो रहा है। इन व्हाट वे? इन 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 अपॉर्चुनिटीज, इन मेरिट। ठीक है, कैसे? अभी नीट का हाल ही में बहुत सारे ऐसे चीज़ें सामने आई जहाँ पे एक 600 वाले बच्चे को अच्छी कॉलेज नहीं मिली क्योंकि वो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता है, पर अगर आप 400 ला रहे हो एंड यू बिलोंग टू HT और SC कम्युनिटी, यू कैन मैनेज टू गेट अ गुड कॉलेज। इससे क्या हुआ? इवन दो आपके पास मेरिट है, आप अच्छी कॉलेज सिक्योर नहीं कर पाए, बट अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू गॉट अ गुड कॉलेज। अब जब आप ऐसे रिजर्वेशन को यूज करोगे एजुकेशन में, तो हाउ आर यू गोइंग टू क्रिएट एन इकोसिस्टम जहाँ पे जो भी आपके प्रोफेशनल्स बाहर आ रहे हैं वो एक्चुअली में अपने काम जानते हैं? आप बताओ क्या होगा अगर मैं आपको UPSC का एग्जाम्पल देती हूँ कि जो प्रीलिम्स का कट ऑफ है उसमें भी काफी अंतर देखने को मिलता है ओपन में और SC ST में। ST को तो बहुत ही कम जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि जिनको एक्चुअली में ज़रूरत है वो लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। वो SC ST जो पैसे से बहुत अच्छे हैं, जो अपने लिए अच्छी कोचिंग लगा सकते हैं, जो अच्छी बुक्स अफोर्ड कर सकते हैं ना, उनका क्या होता है ना कि वो लोग निकाल लेते हैं ये पेपर, और जिसको सही में इस रिजर्वेशन की ज़रूरत है वो उस रिजर्वेशन का लाभ या फायदा नहीं उठा पाता। तो रिजर्वेशन तो हमने करी एजुकेशन में और एम्प्लॉयमेंट में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो लेवल है, लेवल सबके बढ़ने चाहिए, है ना, लेवल बढ़ने चाहिए, क्वांटिटी क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में। ठीक है, आप भले ही लाख इंजीनियर बना लो इस देश से, इंजीनियर वही गूगल में जाएगा, वही एप्पल में जाएगा जो क्वालिटी वाइज अच्छा हो, जिसके पास स्किल्स होंगे। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप काहे की इंजीनियर आप करते रह जाओगे एक्सेंचर में। ठीक है, यही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि रिजर्वेशन के चक्कर में, अच्छी बात है रिजर्वेशन, पर रिजर्वेशन के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि जो एक्चुअल में मेजोरिटी है वो उनको ऐसा फील होने लग जाए कि भाई इनसे ज्यादा तो अब हम प्रताड़ित है इस देश में। फिर उसके बाद क्या हमने ये लेकर आ गए, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अट्रॉसिटी एक्ट। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट कोई भी कास्टिस्ट कमेंट कर दिया तो आपको बिना किसी जस्टिफिकेशन के आपको जेल में डाल दिया जाएगा और आपको एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं दी जाएगी। तो आप समझ रहे हो कि इस केस का महत्व कितना है, कितनी ज़्यादा पावर है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर के पास, कि आजकल ना ऐसे केसेस बन रहे हैं जहाँ पे पीपल आर ब्लैकमेलिंग अदर कास्ट के लोगों को टू फुलफिल देयर नीड्स, फुलफिल देयर डिमांड्स। अगर आपने मेरी डिमांड पूरी नहीं करी तो मैं आपके अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट रोक दूंगा और आप बहुत टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए जेल में चले जाओगे जहाँ पे आपको बेल भी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे देश में। तो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी के नाम पर ऐसा ना हो जाए कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है के लिए आप ये सारी सुविधाएँ ला रहे हैं वो इसका अनड्यू फायदा ना उठाए दूसरों के अगेंस्ट। ठीक है, अब देखते हैं प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सेवरल प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज फॉर माइनॉरिटीज टू प्रोवाइड देम अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सिर्फ एजुकेशन तक सीमित नहीं है ये माइनॉरिटी को के प्रोविजंस, ये एम्प्लॉयमेंट में भी लग चुका है। मतलब पहले आप एजुकेशन में लोगे रिजर्वेशन, फिर उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट में भी लोगे रिजर्वेशन। एजुकेशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड रीजन। दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज विच फंडामेंटली प्रोटेक्ट द राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। सो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज प्रो माइनॉरिटी, इट इज लिटरली प्रो माइनॉरिटी। जो भी इसमें बातें कही गई हैं, हर एक क्लॉज पहले हम लिखेंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इन एम्प्लॉयमेंट, फिर उसके नीचे ही हम सब क्लॉज डाल देते हैं कि भाई लेकिन अगर आप सो एंड सो कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो पहले आप बोल रहे हो कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, फिर आप उसमें छुपके से एक क्लॉज डाल देते हो कि पर हाँ अगर आप इसमें से हो तो हम आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन।
लॉज रिलेटेड टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर देयर रिप्रेजेंटेशन. आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ठीक है, बट हमारा, पता नहीं मुझे बाकियों के बारे में, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जिसमें मेल स्पेसिफिक एक भी लॉ नहीं है. सोचो, हमारी इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है, मेल मेल पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन विचारों के बारे में एक जिक्र नहीं है. जबकि अभी तक की बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं कि ये जो बेचारे होते हैं ना, मेल मेल पॉपुलेशन इज़ वेरी डिप्रेस्ड बिकॉज ये फैमिली प्रेशर में है, इनको फैमिली की सारी चीज़ें फुलफिल करनी है, इनको जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ जाती है एट द वेरी वेरी यंग एज. तो ये अपनी बातें किसी से रख नहीं सकते, ये 12 12 घंटे 10 10 घंटे काम में बिताते हैं, मिले उनको और कितने 14 घंटे मिल जाते हैं, उसमें से 1 घंटा कोई एक आध 2 घंटा आने जाने में लगा दो, 12 घंटे बचे. अब उस 12 घंटे में से 8 घंटे तो इंसान आराम करेगा क्योंकि इतने सारे घंटे तो काम कर रहा है. अब उसमें भी 3 घंटे बचे हैं, जो 2 घंटे बचे उसमें ये अपनी पीड़ा बताएं या खुशी से अपने फैमिली के साथ रहें. ऑफकोर्स खुशी से रहने की कोशिश करेंगे. तो इन इंडिया, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देर इज नो मेल स्पेसिफिक लॉ. दशा देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इन बेचारों के पास कोई राइट्स ही नहीं है. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट तो आप लाना चाहते हो, पर एलिमनी का क्या? एलिमनी का मतलब होता है कि अगर डिवोर्स होता है तो हस्बैंड को अपनी वाइफ को कुछ अमाउंट ऑफ पैसा देना पड़ता है, हर महीने भत्ता देना पड़ता है, सो दैट वो अपना डे टू डे लाइफ जी सके. अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप वर्किंग हो, आपने अगर डाउरी नहीं दी है, डाउरी देना तो गलत बात है, लेकिन अगर आपने, आप चाहते हो कि डाउरी ना ली जाए, तो फिर आप डिवोर्स के बाद ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आपको एलिमनी मिले? हाँ, अगर आप हाउसवाइफ हो, आपने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया घर संभालने के लिए, बच्चे संभालने के लिए, देन दैट इज डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बिकॉज फिर उसके बाद वापस आना प्रोफेशनल लाइफ में, इट इज़ नॉट ईजी. तो उस मामले में अगर आप एलिमनी मांगते हो तो बात अलग है. बट अगर आप काम भी कर रहे हो, आप लाखों में कमा रहे हो, फिर भी आप हस्बैंड से, बेचारे से कह रहे हो कि हमें पैसे दे दो हमारे रहन सहन के लिए, तो गलत बात है ना. अभी आजकल डोमेस्टिक वायलेंस उल्टा हो रहा है, मेन पे भी हो रहा है, इमोशनल सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो मेल पे भी हो रहा है. तो क्या कर लिया हमने? कुछ नहीं कर लिया. ठीक है, इन अवर कंट्री फ्रॉम वेरी बिगनिंग हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं सो दैट वेमेन जो है वो खुल के बात करने की कोशिश करें. फॉर एग्जाम्पल, अब हम लेकर आए हैं 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1974 के आसपास, जहाँ पे 33% रिजर्वेशन दे दिया वेमेन को इन पॉलिटिक्स, उनका रिप्रेजेंटेशन होगा. बट महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे 50% रिप्रेजेंटेशन कर दिया गया है. ठीक है, फिर उसके बाद नेशनल कमीशन भी है औरतों के लिए, कि अगर उनको ऐसा लगता है कि कहीं पे किस स्टेट, कोई स्टेट में पर्टिकुलरली वुमेन के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, तो ये उनके सपोर्ट में आती है और जो भी हेल्प मदद कर सकते हैं वो वुमेन को करती है. तो बहुत सारी चीज़ें करी गई है औरतों के लिए. नाउ इट इज टाइम दैट वी स्टार्ट स्पीकिंग अप फॉर द मेन ऑफ दिस कंट्री. हम अपने अपने देश के आदमियों के लिए बात करना शुरू कर दें, क्योंकि उनको भी उतनी ही हेल्प की ज़रूरत है जितनी हमें है. और मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें इग्नोर करके हम बहुत ही गलत कर रहे हैं. ठीक है, तो ये सब प्रोविजन करने में रोल ऑफ जुडिशरी क्या है, हम ये देखेंगे. ये जुडिशरी इन इंडिया हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी एंड हेल्पिंग टू मेक टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. वाइल इंटरप्रेटिंग द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशरी ऑलवेज जुडिशरी इज ऑलवेज टेकन इन टू कंसिडरेशन द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल्सो द इंटेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर. मतलब अगर समझो कि अपने पार्लियामेंट में से कोई लॉ पास होता है, तो जुडिशरी का काम है देखना कि भाई तुमने किस इंटेंशन से इस लॉ को पास कराया है पार्लियामेंट में, आपके जो इंटेंशन है वो बोना फाइड है या नहीं है. ठीक है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशरी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट. पहला पॉइंट है टू द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब है कि आप कितने भी लॉ लेके आ जाओ, आप कॉन्स्टिट्यूशन में कितने भी अमेंडमेंट कर लो, पर आप बेसिक फ्रेमवर्क को चेंज नहीं कर सकते. जैसे कि डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट्स, फिर उसके बाद राइट टू एडुकेशन, राइट टू प्राइवेसी, फिर उसके बाद आप कह लो हमारा सेक्युलरिज्म, फिर उसके बाद सोशलिज्म. ये सारी चीज़ें हैं, ये बेसिक फ्रेमवर्क में आती है. और आप चाहे कुछ हो जाए, आप अमेंडमेंट करके भी हमारे इस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते. ओके,
दूसरा है सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजंस। बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस ऐसे थे जिन्होंने कोर्स ऑफ हिस्ट्री ही हमने चेंज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, एक पुत्तु स्वामी केस हुआ था जहाँ पे हमें नई चीज पता चली थी, आर्टिकल 21 के अंडर एक नई चीज आ गई है, विच इज राइट टू प्राइवेसी, कि अगर मैं चाहूँ तो मैं अपनी डिटेल्स, अपना फोन, अपना डिजिटल जो भी फुटप्रिंट है वो प्राइवेट रखूँ, और इट इज माई राइट। तो ये मेरे इसको इक्वेट कर दिया राइट टू लाइफ के साथ, कि अगर जैसे समझो कि किसी का कुछ पर्सनल चीज है फोन में वो लीक हो गया और उसने सुसाइड कर लिया, तो इसमें क्या हुआ, उसकी प्राइवेसी को इंफ्रिंजमेंट हुआ, तो उसकी वजह से उसने क्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, मतलब उसके राइट टू लाइफ को खेत पहुंची। तो बहुत सारे जुडिशियल डिसीजंस आए हैं इस कंट्री में। फॉर एग्जाम्पल, 21 जैन में क्या हुआ था, राम जन्मभूमि का जो शिलान प्राण प्रतिष्ठा हुआ था वो क्या था, वो जुडिशरी ने ही वो स्टेट हमें हमें वर्डिक्ट दिया था ना कि उस जगह पे राम का टेंपल था और वहीं पे हम वापस पे वो करेंगे। तो जुडिशरी का काम है इनजस्टिस हटाना इस देश से अच्छी तरीके से, सो दैट हमें किसी को भी ऐसा फील ना हो कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो जुडिशरी को इम्पोर्टेंट बनाती है और फोर्थ पिलर बनाती है हमारे देश का। पहले तीन है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी, फोर्थ नहीं थर्ड, और फोर्थ बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे लोग मीडिया को फोर्थ पिलर मानते हैं बट वो अब रहा नहीं है, अब तो बहुत सारी मीडिया जो है वो बिक चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आपको बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट तरीके से मैंने ये कंटेंट देने की कोशिश करी है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे, आपको पता है आपको क्या करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, भारत माता की जय। ठीक है, बोलते रहिए भारत माता की जय, प्राउड करिए अपने देश के ऊपर कि आपको जन्म मिला है तो इस देश में जन्म मिला है, इतनी अच्छी संस्कृति में जन्म मिला है। तब तक के लिए बाय, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।